लोग अक्सर कहते हैं औरतें क्यों आगे आई हैं, और हम जवाब ये देते हैं औरतें क्यों नहीं। दिल्ली की शाहीन है ये लखनऊ की जीनतें, ये दिल्ली की शाहीन है ये लखनऊ की जीनतें, संभालने को मोर्चा निकल पड़ी है बेटियां। लगाओ जितने लांछन लगाना है लगा ही लो, लगाओ जितने लांछन लगाना है लगा ही लो, इन आदतों पे थूक कर निकल पड़ी है बेटियां। अब हम कहें और तुम सुनो चाय पे चर्चा, अब हम कहें और तुम सुनो चाय पे चर्चा, मैं कुछ समझाऊं, पढ़ोगे तुम मेरा भी पर्चा। प्रोपेगंडे अपनाए गए हमें रोकने के लिए, लेकिन हम रुके नहीं, हम निडर रहे, और जितना हमें डराया गया हम निडर बनते चले गए, और आज हम यहाँ अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ संविधान के दायरे में रहकर हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। और जिस तरह से महिलाओं की तादाद बढ़ती चली जा रही है, हमारे साथ महिलाएँ जुड़ती चली जा रही हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय की महिलाएँ हैं, बल्कि तमाम ही समुदाय की महिलाएँ हमारे साथ इस टाइम जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मैंने कहा बाबू मैं तो यहाँ बुरखा ओढ़ती हूँ, घूंघट करती हूँ, पूरी गली में मैं सबसे इतना लंबा घूंघट करके रहती हूँ, मैं कैसे रोड पे जाके बैठूंगी। कहने लगी नहीं बाजी, घूंघट अपनी जगह, नजरों की इज्जत अपनी जगह, लेकिन ये चीज, ये हमारे राइट्स हैं। हम अपने, आज तुम घूंघट में बैठी हो, घर में बैठी हो, तुमने अगले साल का सोचा है कि तुम अगले साल कहाँ किस कैंप में बैठी हुई होंगी? जब रानी लक्ष्मी बाई भी अपने बच्चों को कमर पर बांध कर आ सकती हैं, तो हम लोग भी मैनेज कर रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, और हाँ मैं मुसलमान भी, तुम मेरी बिंदी से, हिजाब से पहचान भी, कभी ईश्वर कभी अल्लाह मेरा ईमान भी। तुम लगाओ हथकड़ी, तुम चलाओ लाठियां, अब मनाओ खैर तुम निकल पड़ी है बेटियां। सियासतों की आड़ में जो जुल्म तुमने ढाए हैं, सियासतों की आड़ में जो जुल्म तुमने ढाए हैं, रवायतों को तोड़कर निकल पड़ी है बेटियां। न डर पुलिस का है इन्हें, न वर्दियों का खौफ है, तुम्हारे डर को रौंदने निकल पड़ी है बेटी। काला कानून अपना वापस लेना पड़ेगा। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी लोग, सभी लोग कह रही हूँ, आज मेरा मैसेज है कि सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो, क्योंकि आज नहीं हुआ ना ये कभी नहीं होगा। और हमारी बहनों पे इल्ज़ाम लगा दिया कि 500 रुपए लेके औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, अपने घरों से निकल के 500 रुपए के लिए बैठे, ऐसे वो कौन से नोट हैं जो हम माओं को खरीद लेंगे? ऐसे अभी वो नोट नहीं बने जो हम माओं को खरीद लेंगे 500 रुपए में? 500 में लाकर आप रोजाना नहीं बिठा सकते हैं किसी को, आप किसी की नेशनलिटी छीनेंगे वो बिल्कुल आगे घर से निकलेगा। आप गोदी मीडिया जो सारा का सारा बिका हुआ है, आप कैसे हमें पेडिट कह सकते हैं? पेडिट आप हैं। अब हर बच्चा कि अपने मुल्क का हकदार ही नहीं, कि माँ की कोख से कागज निकाले, फिर करो यकीन। लोग भी ये सोच लेते हैं दुबई में अनपढ़ लोग हैं, इनके ये जाहिल है, इनको कुछ पता नहीं है, इनको दबा के कुचल के रखा जाता है, बाहर नहीं निकल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं, यहाँ पे एजुकेटेड भी सब महिलाएं मिलेंगी। नकाब में है तो क्या हुआ, हमें हमारे हक मालूम है। तुम कहते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो वो जामिया की लड़कियाँ विद्यार्थी थी, छात्रा थी, वो भी पढ़ रही थी, वो भी इस देश के मुस्तकबिल के लिए अपने को तैयार कर रही थी, उन पर लाठियां क्यों? जामिया पे जो लाठी पड़ी थी ना, सबकी माओं के सीने पे लाठी पड़ी थी, इसलिए सारी माएं निकली हैं। मेरी बेटी को भी पड़ी है लाठी, दोनों पैर से खड़ी नहीं हो सकती वो। हमारी बच्ची ये बोलती है कि मम्मी आज तो जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में हेल कर पुलिस मार रही है, कल मुझे स्कूल में हेल कर पुलिस मारेगी। मेरे बच्चों का वही दर्द है, मुस्कान भी। अलग हो तुम, अलग हो तुम, और तुम्हारे ये गिरे हुए चश्मे अकेले जपते रहो मुल्क बांटने की कसमें। और ये वो प्रदेश है कि मुख्यमंत्री जी गायों को कंबल उड़ा रहे हैं, और माताओं के सरों पर से और बच्चों के पास से कंबल छीने जा रहे हैं। लोगों का
कहना था कि ये महिलाएं केवल घर देखती हैं, घर में संभाले, ऐसा नहीं है। महिलाएं जब वक्त पड़ता है तो हर कुछ करती है। जो महिला एक घर बनाती है वो देश भी अच्छे से बना सकती है और देश भी अच्छे से चला सकती है। ये हमारी कई महिलाओं ने, आइडल लेडियों ने साबित कर दिया। और अब हम पूरी तरीके से बाहर निकल आए, पूरी तरीके से जनरल महिलाएं निकली आमतौर पे, तो हम लोगों ने ये ठाना है कि अब हम निकले तो कदम पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत हुआ भाई, हमने अपने हर वक्त को सहन के हिसाब से डालते रहते हैं, तो इस हिसाब से आज हम ढल गए हैं कि आप हम घर भी संभालेंगे, बाहर भी संभालेंगे। अस्त व्यस्त हो चुका है घर काफी हद तक, फिर भी कोई बात नहीं, पर हिम्मत कम नहीं है हमारे अंदर। औरत जो है वो कोमल है, कमजोर नहीं है। अगर कमजोर समझने की गलती करेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। इसको हल्के में ना ले। मैं औरत हूँ, मैं हिंदुस्तान की हर औरत हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं वक्त की जरूरत हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं बाइज्जत शहरी हूँ। अपने वतन की हिफाजत की अब मैं पहरी हूँ। मैं चौराहों पे हूँ, हर कूचा मैदान मेरा। लो अपना हक जताती हूँ, ये हिंदुस्तान मेरा। दरिया तो भर गई, मैं अब सैलाब हूँ। नजर घुमा, मैं हर शहर का शाहीबाग हूँ। दबा सकीना 100 तूफान, मैं वो परवाज हूँ। दुआ के देख, औरत हूँ और इंकलाब हूँ। ये हमारा जो मंच है ये सिर्फ लेडीज के लिए है, इस पे किसी जेंट्स को अलाउड नहीं किया गया है कि कोई जेंट्स आके वो, तो हमें पीछे से सब लोग समर्थन दे रहे हैं, हमारे लिए वो ही काफी है। हमें मोरल सपोर्ट की जरूरत है, ये भाई खड़े हैं, पूरी रात हमारे पैरों पर खड़े रहते हैं। अंदर आने की इनको इजाजत नहीं है, ये इनका जज्बा और मोहब्बत है, पूरी रात खड़े रहेंगे। उम्र होगी आपकी 105 साल। कब पैदा हुई कुछ याद है आपको? अरे बिटिया की बात, जुबान के जनाब, इनकलाब 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 इनकलाब। इनकलाब।